तुम लोग अभी कभी घर जाओ, अपनी अपनी बीवियों को समझाओ कि भाई 31 तारीख को हम लोग सब जेंट्स मिलकर जेंट्स पार्टी करेंगे। बुरा नहीं लगता मुझे जब कहते हैं कि चाबी वाला गुड्डा है मेहता साहब, जैसे नचाती है बीवी वैसे नाचते हो, जोरू के गुलाम है मेहता साहब। इतना इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। मतलब पार्टी में आप अकेले जाएंगे? अकेला जाना पड़ेगा। ठीक है। माधवी, ये जेठल और सोडी कह रहे थे कि 31 दिसंबर की पार्टी करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। अगो भाई, बच्चों के साथ? नहीं नहीं, मगर सोनू घर पे अकेले रहेगी? नहीं गा, उनका कहना है कि सिर्फ जेंट्स लोग ही बाहर जाकर पार्टी करेंगे। देखो ना एक शिक्षक को कैसी ऑफर दे रहे हैं वो। कमाल है। पार्टी शार्टी। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। अगदी बरोबर केलत तुम्ही। पर क्या है ना माधवी, क्या अभी जमाना कितना बदल गया है, मतलब सभी लोग रोमन कैलेंडर को फॉलो करने लगे। मतलब मराठी में जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये महीने होते हैं वो किसी को नहीं मालूम, सबको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब मालूम है। पहले कितने मराठी मीडियम के स्कूल हुआ करते थे और आज देखो सिर्फ गिने चुने बच्चे हैं, सब जगह पे अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं। और वैसे देखा जाए तो एक तरह से ठीक ही है, वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और फिर अरे आलिस सोनू एक बस ऐसे नहीं, कितनी वेर चलो चलो सोने को। काय इतनी जल्दी? जल्दी अरे हमारे जमाने में हम लोग 6 बजे सो जाया करते थे। काय मतलब जल्दी सोते थे। हाँ चलो चलो अभी कुछ नहीं, सोने को चलो। ठीक है बाबा मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप परिवर्तन के बारे में क्या कह रहे थे? क्या ना माधवी, मैंने तो मना कर दिया। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वही लोग बोलेंगे कि अरे ये भिड़े मिक्स नहीं होता किसी के साथ, सेक्रेटरी होने का बहुत अभिमान है उसे। और सच बात तो इन लोगों ने मुझे सेक्रेटरी चुना है ना। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसे फंक्शन में जाना पड़ता है। कल को अगर अपने यहाँ फंक्शन रहा, कोई प्रसंग रहा और ये लोग अगर नहीं आए। आपको शिक्षक ने नेता होना चाहिए था। सब वहां पे तय करके आए हो और अभी यहाँ मेरे साथ खो खो खेल रहे हो। मी पार्टीला जाऊ? आहो जाऊ का है? अरे मैंने सुना है ऐसी पार्टियों में एक पास की कीमत 2 से 3 हजार रुपए होती है। अरे माधवी फुकट है। हाँ? मतलब जेठालाल को कहीं से इनविटेशन आया है, उसके फ्री पासेस मिले हैं। अच्छा तो मैं जाऊं प्लीज? हाँ ठीक है जाओ। फिर मैं और सोनू यहाँ क्या करेंगे? टीवी, टीवी देखो ना। अरे 31 दिसंबर को माधवी कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, और अपने टीवी पे तो 112 चैनल है। अरे जब तक तुम्हारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे तब तक तो मैं आ भी जाऊंगा पार्टी करके, तो मैं जाऊं प्लीज? ठीक है जाओ। माधवी। हाँ? थैंक यू। काहे गो भाई कठिन मंडल आभारी है। पार्टी ला जाणार मी। नहीं 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 बोला ना नहीं। ओए रोशन हाँ कर देना, तू मेरी प्यारी सोनी रोशन है। नहीं मतलब नहीं। और रोशन क्या गोगी पुत्ते जैसी जिद कर रही है, पार्टी के लिए हाँ कर देना। अरे प्लीज 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 प्लीज। ठीक है तो उसके लिए तुझे मेरे कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। रूल्स? और रोशन तू जो भी कहेगी ना मैं सब मानूंगा। हाँ रूल नंबर 1,
हर पैक के बाद तू मुझे फोन करेगा, ठीक है? ओए सोनिया, फिर तो मैं पूरी रात तुझे फोन करूंगा। आगे बोल। रूल नंबर टू, तू पीकर ड्राइविंग नहीं करेगा, ठीक है? ओए सोनिया, ये तेरा रोशन सिंह सोडी है, और पी के मैं गड्डी चला के उल्टी भी लाऊंगा ना, तो सीधे घर की पार्किंग में आगे पार्क कर दूंगा गड्डी। आगे बोल। रोशन रोशन, पीकर ड्राइविंग नहीं करते हैं बाबा, फिर वो चाहे रोशन सिंह सोडी हो या किसी देश का राजा, कानून सबके लिए एक होता है, समझे? और ठीक है सोनिया, फिर मैं पार्टी के दिन रात को ड्राइवर रख लूंगा। ठीक है। रूल नंबर थ्री, तू ठीक 12 बजे घर पर लौट आएगा और सबसे पहले मुझे विश करेगा, ठीक है? वो 12 बजे घर पे आ जाऊं, वो ये कैसा रूल है, इससे बढ़िया तो मैं घर पे रह जाऊं। ठीक है, तो फिर घर पे रह। ओ यार, बढ़िया कि मैं इसके सारे रूल्स मान लूं, वो बाद में माफी शाफी मांग के मना लूंगा यार, अभी पार्टी चार्टी करते हैं। ओए रोशन, मेरी सोनी है। ओ सुनना रोशन, ओ मुझे तेरे सारे रूल्स का मंजूर है, अब मैं जाऊं। ठीक है, जाओ। ओए पापा जी, ओए रोशन मान गई यार, मैं आ रहा हूं, बल्ले बल्ले पार्टी चार्टी नहीं हुई है, पापा पापा। अजय भाई, आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ नुकसान होने वाला है। अरे भाई, किधर चढ़ के बैठा, इधर नीचे बैठ भाई, सोफा फट जाएगा। दया चाय लाना भाई, लाना भाई चाय। आपने सुना, कब से खिड़की में कौवा काव काव कर रहा है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कौवा काऊ काऊ करता है तो जरूर कोई मेहमान आने वाला होता है। वीरा! चलो, मेहमान नहीं, कौवा खुद आ गया। अरे वीरा! आओ आओ आओ, टप्पू मामा आए हैं। चलो आश, टैक्सी दिखाई नहीं दे रही है, मतलब टैक्सी का भाड़ा मुझे नहीं देना पड़ेगा। टैक्सी नहीं है, फिर भी मेरी भाइयां क्यों फड़क रही है? बैठ बैठ, अपना ही घर है। ए बेना, ये मेरा खास दोस्त है राजेश। नमस्ते बेना। हाँ नमस्ते। हेलो माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? क्यों बनेवीलाल, पहचाना के नहीं? होटल ब्लू क्वीन। पहचाना भाई पहचाना, तुमको कैसा भूल सकता हूँ, तुम एक ही तो थे उधर ब्लू क्वीन में, जो जाग रहे थे घुवड़ की तरह। आओ पार्टी है। बोल भाई, अचानक कैसा ना हुआ? जीजा जी, मैंने सोचा ये साल के बच्चे कुछ दिन माई डियर जीजा जी के साथ बिता लूं। जीजा जी, आप इतने टेंशन में क्यों आ गए? अरे साले को देख के तो जीजा जी रिलैक्स हो जाते हैं। अगर साला नॉर्मल हो तो जीजा जी रिलैक्स हो सकते हैं ना भाई, हमारे बीच में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जीजा जी, अरे एक मिनट जीजा जी, इसे जरा 6,500 रुपए दे दीजिए ना। क्यों? अरे क्यों क्या, आप अभी घर पे क्यों? आपकी वजह से मैं शर्त हार गया। शर्त? कैसी शर्त वीरा? अरे वीरा, हमारे बीच में सॉलिड शर्त लगी थी। मैंने बोला था कि मेरे जीजा जी घर पे नहीं होंगे, और इसने बोला कि जीजा जी घर पे होंगे, तो हम लोगों ने लगा दी शर्त कि जो भी आएगा उसे टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा। और अभी जीजा जी घर पे, तो मैं तो शर्त हार गया ना, तभी उसको देने पड़ेंगे 6,500 रुपए। लाइए जीजा जी, 6,500 रुपए दीजिए ना। अरे लेकिन शरत, तू आ रहा तो तुझे देना चाहिए ना। हाँ हाँ, मुझे ही देने चाहिए, पर अभी आप दे दो ना, मैं आपको बाद में दे दूंगा।
अब तू ऐसे शर्तें लगाता क्यों है भाई? अरे जीजा जी, अहमदाबाद में तो ऐसी शरारत लगती है, एकदम निर्दोष। दीजिए दीजिए। हाँ दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ये हर बार भाई टैक्सी में क्यों आता है, है? तू ट्रेन में नहीं आ सकता है? अरे जीजा जी, उसमें बहुत जफा है। टिकट कराने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे लंबी लाइन होती है, फिर टिकट निकलती है, उसमें वेटिंग लिस्ट में नंबर होता है, फिर 2-4 बार फोन करके पूछना पड़ता है कि वेटिंग लिस्ट में नंबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे जीजा जी, बहुत ही जफा है। और टैक्सी में क्या, एकदम सिंपल है, हाथ किया, टैक्सी रोकी, बैठे और सीधे मुंबई। तो जिस हाथ से तू टैक्सी रोकता है, वो हाथ टैक्सी का भाड़ा चुकाने के लिए जेब के अंदर क्यों नहीं जाता है भाई? मेरे जीजा जी मजाक बहुत करते हैं। जीजा जी लोग की कौम ही ऐसी होती है। मजाक क्या कौम? कौम केम बापू। जीजा जी मजाक छोड़िए और इसे पैसे दे दीजिए, बहुत लेट हो रहा है। लाइए। कितने हैं? 6,500। चलो ले बका, फिर मिलते हैं। चल चलो, मैं चलता हूँ। चलो बेना। हाँ हाँ, अब जो है ना जिस पे संभाल के जाना बका। अच्छा। अरे मैडम लोग, आज आप इतना चुपचाप क्यों है? आज आप सबको हुआ क्या है, इतना उदास क्यों हो? गुड मॉर्निंग मम्मी दादी। हाय गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं सब लोग? अरे दया भाभी नहीं आई? नहीं, आज मैं आया हूँ सब्जी लेने के लिए। मजाक कर रहा हूँ। और सुंदर आया ना, तो वो अभी अहमदाबाद के समाचार पूछ रही होगी, तो शाम तक मुझे नहीं लगता वो फ्री होगी। अरे वाह, टमाटर खरीद रहे। मुझे भी टमाटर बहुत पसंद है बचपन से। जेठा भाई, ये बहुत गलत बात है। टमाटर पसंद है, उसमें क्या गलत है? टमाटर नहीं, आप सब मर्द, आप लोगों ने अकेले अकेले पार्टी मनाने का प्लान कर लिया। हम औरतों को पूछा भी नहीं। ना ना, ये एक मिनट माधवी भाभी, ये मैंने अकेले ने नक्की नहीं किया है, सारे मर्दों ने मिलकर सब नक्की किया है। अरे पर जेठा भाई, आप हम लोगों के बिना पार्टी मनाने का सोच ही कैसे सकते हैं? अरे अपनी वाइफ के बिना कोई हस्बैंड पार्टी कैसे एंजॉय कर सकता है? ना, आप लोगों के बात बराबर है, ऐसे वाइफ के बगैर एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बबीता जी, देखिए क्या हुआ। अभी अपना वो अब्दुल सब पे हम लोग सब खड़े थे, मर्द लोग सोडा पी रहे थे, तो तभी ऐसे बातचीत में एक बात निकली कि शादी से पहले हम लोग सब कैसे अकेले अकेले लड़के लोग सब 31 के पार्टी मनाने जाते थे। तो ऐसे ही एक ख्याल है कि क्यों ना 31 को हम सब मर्द लोग वापस वो अनुभव करे है? जो ऐसे वो कॉलेज के दिनों में करते थे। तो इसलिए नक्की किया कि चलो इस बार हम लोग सब मर्द लोग पार्टी करते, ऐसे और कुछ नहीं। इट्स ओके सीधा जी, इन फैक्ट आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग इशू। मैंने तो अय्यर को खुशी खुशी हाँ कह दिया। देखो देखो बबीता जी कितने समझदार है, सीखो कुछ, सीखो इनसे। जेठा भाई हम सब समझते हैं, आप सब मर्दों को पार्टी मनाने का बहाना चाहिए बस। हेलो, एक मिनट फोन। हेलो, हाँ मैं आया, हाँ अभी आया, हाँ पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ हेलो, ऐसा थोड़ी होता है, हमें भी 31 का सेलिब्रेशन करना चाहिए। बराबर। हम सब एक काम करते हैं, हम दया भाभी के घर जाते हैं और वहीं जाकर 31 की पार्टी के लिए कुछ प्लान करते हैं। राइट। हाँ चलो 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 चलते हैं सर। आइए ले। सो लेडीज, हम सब अकेले तो अकेले, अपने पति के बगैर तो बगैर, पर 31 मनाएंगे जरूर। ऑफ कोर्स। अरे पर अंजलि भाभी, हम लोग तैयारियां अकेले कैसे करेंगे? ओफो रोशन भाभी, और आप सब मुझे ये बताया कि गोकुल धाम सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है तो उसकी तैयारी कौन करता है? टप्पू सेना। हाँ, तो टप्पू सेना तो हमारे साथ है ही ना। हाँ, और हम लोग 31 का सेलिब्रेशन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि सारे पति देखते रह जाएंगे। अरे क्या बात है, इस बार 31 की पार्टी का प्रोग्राम सब मेरी बहने बना रही है क्यों? हाँ हाँ हाँ। अरे आप सब लोग इतनी उदास होकर क्यों बोल रही हो?
अरे आप सब लोग मेरी बहने हो, अगर जीजाजी लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं तो सुंदर को बोलो। सुंदर को अच्छी तरह से आता है कि जीजाजी लोगों की जेब को कैसे हल्की करना। नहीं नहीं वीरा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की पार्टी में तुम्हारे जीजाजी नहीं आने वाला है। क्यों? मतलब सब जीजाजी नहीं आने वाले हैं। हाँ, पर आप लोगों ने उनको अकेले पार्टी करने की परमिशन क्यों दी? अरे देनी पड़ी। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब बोलेंगे कि सबके साथ मिक्स नहीं होता है, और फिर सेक्रेटरी हो तो मुझे अभिमान आ गया है, ऐसा वैसा। तो मुझे आपके मेहता साहब ने कहा कि सबकी बीवियां मान जाएगी, सबके पति को जाने देगी, बस एक तुम ही ना कहोगी तो मैं ही चाबी वाला गुड्डा बन के रह जाऊंगा। बगा। अरे रोशन पार्टी शार्टी ना करे, उसके लिए मैंने बहुत सारे रूल्स बनाए थे, लेकिन रोशन फट से मान गया और मुझे मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। अरे मैंने तो हाँ कहा भी नहीं, फिर भी हंस ने हाँ मान लिया। तो सुना? और बबीता जी आपने? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई तो मैंने हाँ कर दिया। और मैंने? हाँ। तुमने क्यों हाँ कह दी? मेरा तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि ये त्योहार मर्दों का त्योहार है। हाँ? हाँ? बेना तुम लोग कितनी भोली हो, और मेरे सारे जीजा जी लोग कितने होशियार हैं। बेना, हाँ? मुझे ये बताओ सब जीजा जी लोग पार्टी करने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? वो तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जीजा जी के पास वो पार्टी के पास है। अच्छा, हाँ। कहाँ है पास? वो शायद अभी दुकान पर ही होंगे। अच्छा, तो आप सब लोग चाहते हैं ना कि जीजा जी लोग अकेले पार्टी करने के लिए ना जाएं? आप सब लोगों को साथ में लेकर जाएं? तो आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? तो बहनों, अगर सारे जीजा जी लोग सांप है तो यह सुंदरलाल नेवला है। मैं अपनी सारी बहनों से वादा करता हूँ कि ये 31st की पार्टी पूरा गोकुल साहब साथ मिलकर मनाएंगे। किसी विधायक को ये वादा कर दिया जाए कि सुबह तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना तय है, और सुबह सरकार बनने के पहले कोई एक विधायक साथ छोड़ के चला जाए और वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, तो कैसी स्थिति होती है? वैसी स्थिति अभी गोकुल धाम के मर्दों की है। तय है कि पार्टी मनानी है 31st दिसंबर की, लेकिन आ गया बीच में एक बहुत बड़ा अड़ंगा, एक स्पीड ब्रेकर सुंदर नाम का, जिसने लगा लिया बहुत बड़ा अड़ंगा लगा लिया पार्टी के बीच में, और अपनी बहनों को वादा कर दिया गोकुल धाम में कि सारे के सारे जीजा जी पार्टी तो तुम्हारे साथ यही मनाएंगे। अब देखिए तो हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है, ये पार्टी लिखी है, सुंदर लिखा है, या बहुत सारे हंगामे लिखे हैं, लेकिन आपकी किस्मत में तो ठाक ही ठाक लिखे हैं। देखते रहिए क्या होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।